प्रश्न है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, मतलब गणित और अंग्रेजी के अलग अलग अंक कितने प्राप्त हुए हैं ये ज्ञात करना है। आइए वीडियो देखा जाए। हल में मान लिया शेफाली द्वारा गणित में x अंक प्राप्त किया जाता है, गणित में x अंक प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी दोनों में 30 अंक आता है, 30 अंक। तो गणित में x अंक आ गया, इसका मतलब है कि अंग्रेजी में प्रश्न के अनुसार कितना अंक होगा, 30 घटाओ x। देखिए यहाँ, यदि गणित में 5 अंक आता है तो अंग्रेजी में कितना अंक आएगा, टोटल 30 है तो 30 माइनस 5 बराबर 25। इस तरह से x आता है तो दोनों का योगफल है 30, तो 30 में से x यहां हम घटा लेंगे। यहां ध्यान देना है, कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित का अंक कितना है x, तो x में 2 अंक अधिक। फिर कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी का अंक कितना है 30 घटाओ x, ये पहले से है। और कह रहा है कि 3 अंक और कम, मतलब 3 अंक कम, कम का मतलब घटाओ 3, मिले होते तो दोनों का गुणनफल कितना होता, दोनों का गुणनफल 210 होता। तो यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और 210 के बराबर कर देते हैं। यहीं से अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख लिया जाए, x जोड़ 2 हो गया यहाँ, और ये कितना हो जाएगा, 3 घट जाएगा, हो जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 210। ये गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 27 x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूनी 54 माइनस 2x बराबर 210। ये है माइनस 2x, ये है प्लस 27x, तो यहाँ 2 घट गया, 25x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर लाएंगे तो यहाँ पहले से है 54 और माइनस 210 हो जाएगा बराबर, इधर होगा 0। अगला स्टेप देखिए, ये हो गया 25x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 210 में से 54 घट गया 156। यहाँ हम माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि इसे पहले हम करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 बराबर 0। अगर यहाँ माइनस 1 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा और उस साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, सबका चिन्ह चेंज हो गया। हम चाहें तो ये नहीं भी कर सकते हैं, ये नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा किया है। अब यहाँ से गुणनखंड विधि हम कर देंगे, यहाँ है एक्स स्क्वायर, 25 है और यहाँ 256 लाना है, तो माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156, ये 12 में 13 से गुना कर देंगे तो 156 हो जाएगा। अब यहाँ दो दो पद को उभयनिष्ठ निकालेंगे, x तो हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ निकालेंगे 13, ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों पद में x माइनस 12 उभयनिष्ठ है तो x माइनस 12 हम कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा माइनस 13 बराबर 0। दोनों गुणनखंड को अलग अलग शून्य करेंगे, जब x माइनस 12 बराबर 0
तो एक्स बराबर प्लस 12। फिर पुनः एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर 13। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स का मान 12 और 13 आ रहा है, जो दोनों ही वैलिड है, दोनों ही मान्य है। तो एक्स का हमें दो मान प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ कि यहाँ पर एक्स बराबर जब 12 रखेंगे तो सेफाली को गणित में 12 और अंग्रेजी में 18, क्योंकि 30 में से यहाँ 12 घटेगा। पुनः जब x बराबर 13 रखेंगे तो सेफाली को गणित में x बराबर 13 अंक और अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स अर्थात 30 में से 13 घटेगा तो 17 अंक। ये दोनों ही उत्तर वैलिड होंगे।